गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिजिक्स के फंडे चैनल में। क्वेश्चन क्या है? आसान क्वेश्चन है, नीट टैंक में पूछ सकता है नीट स्पेशल। टू रेसिस्टेंस 5 ओम एंड 7 ओम आर ज्वाइंट एज शोन द टू बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड 3 वोल्ट। इफ द 3 वोल्ट बैटरी इज शॉर्ट सर्किट, व्हाट विल द करेंट थ्रू द 5 ओम। ये कि अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर दें, शॉर्ट सर्किट मीन्स क्या देखे तो यहाँ से जो करेंट आएगा वो इधर ना आके सीधे यहाँ से यहाँ ऐसे आ जाएगा, ऐसे। ये 7 ओम भी क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। और ये सर्किट कैसा बन गया अगर आप देखें तो 2 वोल्ट और 5 ओम, ये सर्किट बन गया इस तरह। तो आपका ये करेंट, यहाँ से करेंट अगर देखें तो कितना होगा, I बराबर V बाय R, V कितना है इसके क्रॉस 2 वोल्ट, ये ना 2/5 बराबर कितना होगा 0.4 एम्पीयर। क्योंकि ये अगर 3 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट करोगे तो क्या होगा, 7 ओम भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और 7 ओम जैसे क्योंकि करंट जो यहाँ से आएगा, करंट हमेशा क्या करता है लेस रेसिस्टेंस पार्ट को फॉलो करता है, तो यहाँ से करंट डायरेक्ट ऐसे ऐसे घूमते 3 वोल्ट ही शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, उसके साथ 7 ओम भी शॉर्ट सर्किट होगा, बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ 5 ओम बचेगा, तो 2। इसका आंसर क्या होगा, 0। इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट यही होगा, 5 ओम है। और अगर इसको ऐसे करना चाहते हैं अगर आपको दिक्कत हो तो 5 ओम 2 वोल्ट, क्योंकि ये सर्किट इसके क्रॉस 5 ओम है, करेंट ये 2/5 0.4। एक आसान क्वेश्चन है जो नीट में आ सकता है या बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन नीट स्पेशल या AMU इंट्रेंस अगर जो लोग देना तो AMU BTEC उसके लिए स्पेशल। सिर्फ इससे आपको सिर्फ याद रखिए 3 वोल्ट करोगे 7 वोल्ट क्या बचेगा, सिर्फ 5 ओम और 2 वोल्ट, इससे करंट ये करंट जो होगा ऐसे नहीं गिरेगा, ये पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। थैंक यू।